for the BJP ace wrestler and Olympian Bajrang Punia, who recently has joined the Congress and has been appointed as the working president of the Kisan Congress, alleged double standards from the BJP. Punia stated that if he and fellow wrestler Vinesh Fogat had joined the BJP, they would have been hailed as patriots, but are now being labelled as anti-nationals for aligning with the opposition. Listen in to what are the remarks that's been made by the wrestler. सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूं। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। द बीजेपी एस रेसलर एंड ओलंपियन बजरंग पुनिया, हु रिसेंटली हैज जॉइंड द कांग्रेस एंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द किसान कांग्रेस, अलेज्ड डबल स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द बीजेपी। Punia stated that if he and fellow wrestler Vinesh Fogat had joined the BJP, they would have been hailed as patriots, but are now being labelled as anti-nationals for aligning with the opposition. Listen in to what are the remarks that's been made by the wrestler. सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूं। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है।